और आदिवासियों के लिए हमने पांच चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया, और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, एक साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था हमने, बनाया था जमीनी अधिकरण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है, उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा, और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तीसरा काम, शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, उसे हम 6th शेड्यूल में डाल देंगे। मतलब सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे वो आदिवासी लोग लेंगे और कोई नहीं लेगा। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगल में उगता है, उसके लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। और आखिरी काम, जो पैसा कानून है, उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखा देंगे। ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं।